द्विवेदी युग भारतेंदु युग के बाद का समय है। इस युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के पहले साहित्यकार थे जिन्हें आचार्य की उपाधि प्राप्त हुई। तो आज हम द्विवेदी युग के रचनाकारों की बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आप स्क्रीन पर आ रहे रचनाकारों का जीवन परिचय विस्तार से जानेंगे, जिसमें पहले नंबर पर हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में 15 मई 1864 को हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय दुबे था। धनाभाव के कारण इनकी शिक्षा का क्रम अधिक समय तक न चल सका। इन्हें जीआईपी रेलवे में नौकरी मिल गई। नौकरी के साथ साथ द्विवेदी अध्ययन में भी जुटे रहे और हिंदी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती, संस्कृत आदि का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। नौकरी छोड़कर पिता के पास मुंबई प्रस्थान एवं टेलीग्राम का काम सीखकर इंडियन मिडलैंड रेलवे में तार बापू के रूप में इनकी नियुक्ति हुई। सन 1903 में द्विवेदी जी ने सरस्वती मासिक पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला और उसे 17 वर्ष तक कुशलतापूर्वक निभाया। अपने उच्चाधिकारी से न पटने और स्वाभिमानी स्वभाव के कारण 1904 में झांसी में रेल विभाग की 200 रुपये मासिक वेतन की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। नौकरी से त्यागपत्र देने के पश्चात स्थायी रूप से सरस्वती के संपादन कार्य में लग गए। 200 रुपये मासिक की नौकरी को त्याग कर मात्र 20 रुपये प्रतिमास पर सरस्वती के संपादक के रूप में कार्य करना उनके त्याग का परिचायक है। संपादन कार्य से अवकाश प्राप्त कर द्विवेदी जी अपने गांव चले आए। अत्यधिक बीमार होने के कारण 21 दिसंबर 1938 को रायबरेली में इनका स्वर्गवास हो गया। प्रकाशित कृतियां: संस्कृत ब्रजभाषा और खड़ी बोली में स्फुट काव्य रचना से साहित्य साधना का आरंभ करने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत और अंग्रेजी से क्रमशः ब्रजभाषा और हिंदी में अनुवाद कार्य के अलावा प्रबुद्ध समालोचनात्मक लेखन किया। द्विवेदी जी ने विस्तृत रूप में साहित्य रचना की। इनके छोटे बड़े ग्रंथों की संख्या कुल मिलाकर 81 है। मौलिक पद्य रचनाएं: देवी स्तुति शतक, कान्य कुब्जावली व्रतम, नागरी, कान्य कुब्ज अबला विलाप, सुमन, पद्य अनुदित, विनय विनोद, विहार वाटिका, स्नेह माला, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, सोहाग रात अप्रकाशित, कुमार संभव सार। मौलिक गद्य रचनाएं: नैषद चरित्र चर्चा, तरुणोपदेश अप्रकाशित, वैज्ञानिक कोश, नाट्यशास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, कौटिल्य कुठार, कालिदास की निरंकुशता, वनिता विलाप। गद्य अनुदित: अमृत लहरी, बेकन विचार रत्नावली, शिक्षा स्वाधीनता, जल चिकित्सा, रघुवंश, वेणी संहार। साहित्यिक परिचय: महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के पहले लेखक थे जिन्होंने केवल अपनी जातीय परंपरा का गहन अध्ययन ही नहीं किया था बल्कि उसे आलोचकीय दृष्टि से भी देखा था। उन्होंने अनेक विधाओं में रचना की। कविता, कहानी, आलोचना, पुस्तक समीक्षा, अनुवाद, जीवनी आदि विधाओं के साथ उन्होंने अर्थशास्त्र, विज्ञान, इतिहास आदि अन्य अनुशासनों में न सिर्फ विपुल मात्रा में लिखा बल्कि अन्य लेखकों को भी इस दिशा में लिखने के लिए प्रेरित किया। द्विवेदी जी केवल कविता, कहानी, आलोचना आदि को ही साहित्य मानने के विरुद्ध थे। वे अर्थशास्त्र, इतिहास, पुरातत्व, समाजशास्त्र आदि विषयों को भी साहित्य के ही दायरे में रखते थे। उन्होंने वेदों से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक के संस्कृत साहित्य की निरंतर प्रहमान धारा का अवगाहन किया था एवं उपयोगिता तथा कलात्मक योगदान के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टि अपनाई थी। उन्होंने श्रीहर्ष के संस्कृत महाकाव्य नैषधीय चरितम पर अपनी पहली आलोचना पुस्तक नैषद चरित चर्चा नाम से लिखी, जो संस्कृत साहित्य पर हिंदी में पहली आलोचना पुस्तक भी है। उन्होंने संस्कृत के कुछ महाकाव्यों के हिंदी में औपन्यासिक रूपांतरण भी किए जिनमें कालिदास कृत रघुवंश, कुमार संभव मेघदूत, कीरातार्जुनीय प्रमुख हैं। भारतेंदु जी के पश्चात द्विवेदी जी दूसरे प्रवर्तक साहित्यकार के रूप में विख्यात हुए। सरस्वती के संपादक के रूप में इन्होंने हिंदी साहित्य की अमूल्य सेवा की। भाषा शैली:
द्विवेदी जी सरल और सुबोध भाषा लिखने के पक्षपाती थे। उन्होंने स्वयं सरल और प्रचलित भाषा को अपनाया। उनकी भाषा में ना तो संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है और ना उर्दू फारसी के अप्रचलित शब्दों की भरमार है। वे ग्रह के स्थान पर घर और उच्च के स्थान पर ऊंचा लिखना अधिक पसंद करते थे। द्विवेदी जी ने अपनी भाषा में उर्दू और फारसी के शब्दों का निसंकोच प्रयोग किया, किंतु इस प्रयोग में उन्होंने केवल प्रचलित शब्दों को ही अपनाया। द्विवेदी जी की भाषा का रूप पूर्णतः स्थित है। वह शुद्ध परिष्कृत और व्याकरण के नियमों से बंधी हुई है। उनका वाक्य विन्यास हिंदी की प्रकृति के अनुरूप है। कहीं भी वह अंग्रेजी या उर्दू के ढंग का नहीं है। द्विवेदी जी की शैली के मुख्यतः तीन रूप दृष्टिगत होते हैं, परिचयात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, विचारात्मक तथा गवेषणात्मक शैली। हिंदी साहित्य में स्थान। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक साहित्यकारों में से एक थे। वे समाज और संस्कृति के क्षेत्र में अपने वैचारिक योगदान की दृष्टि से नव चेतना के संवाहक के रूप में अवतरित हुए। उन्हें शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का वास्तविक प्रणेता माना जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार एवं युग प्रवर्तक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य की अविस्मरणीय सेवा की और अपने युग की साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना को दिशा और दृष्टि प्रदान की। उनके इस अतुलनीय योगदान के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। दूसरे हैं मैथिली शरण गुप्त। हिंदी के प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 में झांसी, उत्तर प्रदेश के पास चिरगांव में हुआ। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण कनकने और माता का नाम काशीबाई था। माता और पिता दोनों ही वैष्णव थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा चिरगांव में हुई। माध्यमिक शिक्षा के लिए इन्हें झांसी के मैकडोनल हाई स्कूल भेजा गया, परंतु विद्यालय में खेल कूद में अधिक ध्यान देने के कारण पढ़ाई अधूरी ही रह गई। अतः घर पर ही हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी और संस्कृत साहित्य के अध्ययन का प्रबंध किया गया। 12 वर्ष की अवस्था में मैथिली शरण गुप्त ने ब्रज भाषा में कनकलता नाम से कविता रचना आरंभ किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से गुप्त जी ने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। हिंदी कविता के इतिहास में यह गुप्त जी का सबसे बड़ा योगदान है। मैथिली शरण जी का प्रथम विवाह बचपन में हो गया था, परंतु इनके नवजात पुत्र और पत्नी का असमय निधन हो गया। कुछ समय पश्चात दूसरा विवाह हुआ, परंतु 10 वर्ष बाद दूसरी पत्नी का देहावसान हो गया। इनका तीसरा विवाह 1917 ईस्वी में सरजू देवी से हुआ। मैथिली शरण गुप्त और सरजू देवी की 7 संतानें हुई, पर सभी काल के गाल में समा गई। 8वीं संतान 1936 ईस्वी में उर्मिल चरण के रूप में हुई, जिन्होंने कविता को अपना जीवन समर्पित किया। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को 78 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मैथिली शरण गुप्त जी का निधन हो गया। साहित्यिक परिचय या काव्यगत विशेषताएं। पवित्रता, नैतिकता और परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा गुप्त जी के काव्य के प्रथम गुण हैं, जो पंचवटी से लेकर जयद्रथ वध, यशोधरा और साकेत तक में प्रतिष्ठित एवं प्रतिफलित हुए हैं। साकेत इनकी रचना का सर्वोच्च शिखर है। साकेत के लिए इन्हें 1932 में मंगला प्रसाद पारितोषक से सम्मानित किया गया। गुप्त जी स्वभाव से ही लोक संग्रही कवि थे और अपने युग की समस्याओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील रहे। प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग तथा बाद में जयद्रथ वध प्रकाशित हुई। इन्होंने बंगाली के काव्य ग्रंथ मेघनाथ वध ब्रजांगना का अनुवाद भी किया। सन 1914 ईस्वी में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन किया, जिसमें 3 खंड देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं।
उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी कृति भारत भारती भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की पदवी भी दी। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। 16 अप्रैल 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण वे गिरफ्तार कर लिए गए। पहले उन्हें झांसी और फिर आगरा जेल में ले जाया गया। आरोप सिद्ध न होने के कारण उन्हें 7 महीने बाद छोड़ दिया गया। सन 1948 में आगरा विश्वविद्यालय से उन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1952 से 1964 तक राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। सन 1953 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने सन 1962 ईस्वी में अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया तथा हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा डीलिट से सम्मानित किए गए। वे वहां मानद प्रोफेसर के रूप में भी नियुक्त हुए। 1954 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। चिरगांव में उन्होंने 1911 में साहित्य सदन नाम से स्वयं की प्रेस शुरू की और झांसी में 1954 से 1955 में मानस मुद्रण की स्थापना की। हिंदी में लेखन आरंभ करने से पूर्व उन्होंने रसिकेंद्र नाम से ब्रजभाषा में कविताएं, दोहा, चौपाइयाँ आदि छंद लिखे। ये रचनाएं 1904 से 1905 के बीच वैश्योपकारक, वेंकटेश्वर और मोहिनी जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। उनकी हिंदी में लिखी कृतियां इंदु, प्रताप, प्रभा जैसी पत्रिकाओं में छपती रही। प्रताप में विदग्ध हृदय नाम से उनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। कृतियां अथवा प्रमुख रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं इस प्रकार से हैं। मौलिक रचनाएं महाकाव्य साकेत, यशोधरा, खंड काव्य जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुस, किसान, गुरुकुल, जय भारत, शकुंतला, विश्ववेदना, राजा प्रजा, विष्णुप्रिया, उर्मिला, लीला, प्रदक्षिणा, दिवोदास, भूमि भाग आदि। नाटक रंगमय भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, शक्ति, सैरंध्री, स्वदेश संगीत, हिडिम्बा, हिंदू, चंद्रहास आदि। फुटकर रचनाएं केशों की कथा, स्वर्ग सहोदर, ये दोनों मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी पुस्तक मंगल घट में संग्रहित हैं। अनुदित रचनाएं मधुप के नाम से, संस्कृत स्वप्न वासव दत्ता, प्रतिमा, अभिषेक, अविमारक, रत्नावली। बंगाली मेघनाथ वध, विहरिणी वृजांगना, पलासी का युद्ध। फारसी रुबाइयत उमर खय्याम। कविताओं का संग्रह उच्छ्वास, पत्रों का संग्रह पत्रावली। अनुदित रचनाएं अर्थात उन्होंने जिनका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया है वे सभी अनुदित रचनाओं के अंतर्गत आती हैं। ये सभी रचनाएं किसी और द्वारा लिखित हैं परंतु मैथिली शरण गुप्त द्वारा इनका संस्कृत, बंगाली, फारसी आदि में अनुवाद किया गया है। भाषा शैली मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा खड़ी बोली है। इन पर उनका पूर्ण अधिकार है। भावों को अभिव्यक्त करने के लिए गुप्त जी के पास अत्यंत व्यापक शब्दावली है। उनकी प्रारंभिक रचनाओं की भाषा तत्सम है। भारत भारती की भाषा में खड़ी बोली की खड़खड़ाहट है किंतु गुप्त जी की भाषा क्रमशः विकास करती हुई सरस होती गई। संस्कृत के शब्द भंडार से ही उन्होंने अपनी भाषा का भंडार भरा है। संस्कृत के साथ गुप्त जी की भाषा पर प्रांतीयता का भी प्रभाव है। उनका काव्य भाव तथा कला पक्ष दोनों की दृष्टि से सफल है। शैलियों के निर्वाचन में मैथिली शरण गुप्त ने विविधता दिखाई किंतु प्रधानता प्रबंधात्मक
इतिवृत्तमय शैली की है। उनके अधिकांश काव्य इसी शैली में हैं। रंगमय भंग, जयद्रथवध, नहुस, सिद्धराज, त्रिपथक, साकेत आदि प्रबंध शैली में हैं। यह शैली दो प्रकार की है, खंड काव्यात्मक तथा महाकाव्यात्मक। साकेत महाकाव्य है तथा शेष सभी काव्य खंड काव्य के अंतर्गत आते हैं। गुप्त जी की एक शैली विवरण शैली भी है। भारत भारती और हिंदू इस शैली में आते हैं। तीसरी शैली गीत शैली है। इसमें गुप्त जी ने नाटकीय प्रणाली का अनुगमन किया है। अनघ इसका उदाहरण है। आत्मोद्गार प्रणाली गुप्त जी की एक और शैली है, जिसमें द्वापर की रचना हुई है। नाटक, गीत, प्रबंध, पद्य और गद्य सभी के मिश्रण एक मिश्रित शैली है, जिसमें यशोधरा की रचना हुई है। इन सभी शैलियों में गुप्त जी को समान रूप से सफलता नहीं मिली। उनकी शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें इनका व्यक्तित्व झलकता है। साहित्य में स्थान। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त भारतीय संस्कृति के यशस्वी उद्गाता एवं परम वैष्णव होते हुए भी विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत थे। ये सच्चे अर्थों में इस राष्ट्र के महनीय मूल्यों के प्रतीक और आधुनिक भारत के सौंदर्य और सच्चे राष्ट्रकवि थे। हिंदी साहित्य में इनके योगदान को याद करते हुए इनकी जयंती प्रदेश में प्रतिवर्ष 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में व्यापक रूप से मनाई जाती है। तीसरे, अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को निजामाबाद, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय तथा माता का नाम रुक्मणी देवी था। 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। निजामाबाद से मिडिल परीक्षा पास कर वे काशी के क्वींस कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ने गए, पर स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण अध्ययन छोड़ना पड़ा। घर पर ही स्वाध्याय से संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अध्ययन किया। निजामाबाद मिडिल स्कूल के अध्यापक कानूनगो और काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पदों पर इन्होंने कार्य किया। 16 मार्च सन 1947 ईस्वी में महान कवि हरिओत जी की मृत्यु हुई। साहित्यिक परिचय। हरिओत जी हिंदी के कवि, निबंधकार तथा संपादक हैं। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में हिंदी की सेवा की। वे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने खड़ी बोली को नया रूप प्रदान कर प्राचीन कथानकों में नवीन उद्भावनाएं समाहित की। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के रूप में कार्य किया। वे सम्मेलन द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किए गए। उन्होंने प्रिय प्रवास नामक खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य लिखा, जिसे मंगला प्रसाद पारितोषक से सम्मानित किया गया था। इनके काव्य में वात्सल्य एवं विप्रलंब श्रृंगार का जगमगाता रूप झलकता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचनाएं। हरिओत जी की रचनाएं निम्न हैं: काव्य प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, काव्योपवन, रस कलश, कवि सम्राट, चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, बोलचाल, पारिजात, हरिओद सत्सई, पद्य प्रसून, प्रेम प्रपंच। नाटक रुक्मणी परिणय, प्रद्युम्न विजय। उपन्यास प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाट, अधखिला फूल। भाषा शैली। हरिओत जी ने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में ही कविता की हैं, किंतु उनकी अधिकांश रचनाएं खड़ी बोली में हैं। उनकी भाषा प्रौण, प्रांजल और आकर्षक हैं। संस्कृत काव्य शैली, रीतिकालीन अलंकरण शैली, आधुनिक युग की सरल हिंदी शैली, उर्दू की मुहावरेदार शैली आदि के दर्शन हरिओत जी के काव्य में होते हैं।
साहित्यमय स्थान। खड़ी बोली के महान कवियों में हरिओध जी का विशिष्ट स्थान है। निसंकोच हम यह कह सकते हैं कि हरिओध जी की काव्य प्रतिभा विविध रूपणी है तथा वे हिंदी के सार्वभौम कवि हैं। चौथे नंबर पर हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 24 सितंबर 1908 को बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव बिहार में हुआ था। उनके पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास में बीए ऑनर्स किया। उनका विवाह बिहार के समस्तीपुर जिले के तबहका गांव में श्यामवती देवी से हुआ था। एक छात्र के रूप में उनके पसंदीदा विषय इतिहास, राजनीतिक और दर्शन थे। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया था। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक विद्यालय के अध्यापक हो गए। उन्होंने बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उपनिदेशक पदों पर कार्य किया। वे मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद पर कार्य किया और उसके बाद भारत सरकार के हिंदी सलाहकार बने। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास में दिनकर जी का निधन हो गया। साहित्यिक परिचय। दिनकर जी ने सामाजिक आर्थिक समानता और शोषण के खिलाफ कविताओं की रचना की। एक प्रगतिवादी और मानववादी कवि के रूप में उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं को ओजस्वी और प्रखर शब्दों का ताना बाना दिया। उनकी महान रचनाओं में रश्मि रथी और परशुराम की प्रतीक्षा शामिल है। उर्वशी को छोड़कर दिनकर जी की अधिकतर रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत हैं। भूषण के बाद उन्हें वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। द्वापर युग की ऐतिहासिक घटना महाभारत पर आधारित उनके प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान दिया गया। कुरुक्षेत्र महाभारत के शांति पर्व का कविता रूप है। उनकी पुस्तक संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद भारत एक देश है, क्योंकि सारी विविधताओं के बाद भी हमारी सोच एक जैसी है। ज्ञानपीठ से सम्मानित उनकी रचना उर्वशी की कहानी मानवीय प्रेम, वासना और संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है। उर्वशी स्वर्ग परित्यक्ता एक अप्सरा की कहानी है। रामधारी सिंह दिनकर स्वभाव से सौम्य और मृदुभाषी थे, लेकिन जब बात देश के हित अहित की आती थी तो वह बेबाक टिप्पणी करने से कतराते नहीं थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें 1959 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि तथा राजस्थान विद्यापीठ की ओर से साहित्य चूड़ामणि से सम्मानित किया गया। प्रमुख कृतियां। दिनकर जी की विस्तृत साहित्य सूची नीचे दी गई है। काव्य: पारदोली, विजय संदेश, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद गीत, कुरुक्षेत्र, धूप छाह, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, मिर्च का मजा, रश्मि रथी, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, सूरज का ब्याह, चक्रवाल, कविश्री, सीपी और शंख, नए सुभाषित, लोकप्रिय कवि दिनकर, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आँखें, कोयला और कवित्व, मृत्यु तिलक, दिनकर की सूक्तियाँ, हारे को हरिनाम, संचियता,
दिनकर के गीत, रश्मिलोक, गद्य, मिट्टी की ओर, चित्तौड़ का साका, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, भारत की सांस्कृतिक कहानी, संस्कृति के चार अध्याय, उजली आग, देश विदेश, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण, वन, धर्म नैतिकता और विज्ञान, वट पीपल, लोकदेव नेहरू, शुद्ध कविता की खोज, साहित्य मुखी, राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी जी, हे राम, संस्मरण और श्रद्धांजलियां, भारतीय एकता, मेरी यात्राएं, दिनकर की डायरी, चेतना की शिला, विवाह की मुसीबतें, आधुनिकता बोध, निबंध संग्रह, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, हमारी संस्कृति, वेणु वन, उजली आग, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, धर्म नैतिकता और विज्ञान, वट पीपल, साहित्य मुखी, आधुनिकता बोध, भाषा शैली। रामधारी सिंह दिनकर की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी उपयोग किया गया है, जिससे उनकी भाषा और भी प्रवाहमयी हो गई है। दिनकर जी की भाषा भावों के अनुकूल परिवर्तनशील भी है। उसमें मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया गया है। दिनकर जी की रचनाओं में विशेषकर वीर, रौद्र, करुण और शांत रसों का सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ है। प्रबंध और मुक्तक दोनों ही शैलियों में इन्होंने काव्य रचना की है। साहित्य में स्थान। रामधारी सिंह दिनकर की गणना आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवियों में की जाती है। राष्ट्रीय चेतना और जागृति उत्पन्न करने वाले कवियों में इनका विशिष्ट स्थान है। काव्य जगत में इनका योगदान अविस्मरणीय है। अपनी लेखनी के माध्यम से वह सदा अमर रहेंगे। अगर आप किसी लेखक या कवि का जीवन परिचय चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। वासुदेव सरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।